देने के लिए ना हमारे 2.5 लाख लोग हमारे साथ है, हम अकेले नहीं है। 2.5 लाख लोग इन पे एक्शन लेंगे, क्योंकि ये हमारे 2.5 लाख लोगों का पहले भी पैसा खा के बैठे हुए है, अब भी पैसा खा, अब इनको पैसा नहीं खाने देंगे हम, ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, श्री मारुती बैंक फाउंडेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। क्योंकि दोस्तों यह फिर से नए अंदाज में आ चुकी है और इस बार KYC का अपडेट आया है। अब दोस्तों इसमें उन सभी लोगों की ID ब्लॉक हो जाएंगी जो कि एक मोबाइल में एक नंबर पर कई ID चला रहे थे, और जो बड़े बड़े लीडर पैसा कमा रहे थे, जो कि छोटे लीडर पैसा नहीं कमा पा रहे थे, या कोई भी नॉर्मल बंदा पैसा नहीं कमा पा रहा था। लेकिन दोस्तों अब सभी पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक नंबर पर सिर्फ एक ही ID चलेगी। और इसमें KYC का अपडेट आया है, आपको KYC किस प्रकार से करनी है। और दोस्तों जो इसकी पुरानी वेबसाइट है वह बंद हो गई है, न्यू वेबसाइट की लॉन्च की गई है। दोस्तों जो ID थी वही लॉगिन हो जाएंगी, आपको नई ID नहीं लगानी पड़ेगी। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति सिस्टम में अभी तक नहीं जुड़ा है तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से क्लिक करके ID लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इसकी KYC आपको कैसे करनी है। दोस्तों यह देखिए, आपको अपने क्रम ब्राउजर पर गूगल पर सर्च करना है srimarotibank.com। दोस्तों पहले .in था, अब .com है। तो यह देखिए, आपको इस प्रकार से लिखना है और सर्च कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सर्च करते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो दोबारा लॉन्च की गई है वह खुल जाएगी। आप देख सकते हैं आपको ऊपर 3 लाइन दिख रही होंगी, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यह देखिए, अब आपको अपनी ID लॉगिन करनी है, तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों ये देखिए, हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए पहले जैसे डैशबोर्ड खुल गया है। अब दोस्तों पहले जैसे आप अपनी ID लॉगिन करते थे पहले, वैसे ही ID लॉगिन करनी है आपको। ऊपर अपनी ID डालनी है, फिर पासवर्ड और फिर कैप्चा। दोस्तों ये देखिए, हम अपनी ID और पासवर्ड डाल लेते हैं और कैप्चा भी डाल के ID लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, हमने कैप्चा फिल कर दिया, आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारी ID लॉगिन हो चुकी है। अब दोस्तों ये देखिए, आपको KYC का फॉर्म इस प्रकार से खुलेगा। तो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले आपको आधार नंबर डालना है। दोस्तों आप यहाँ से फोटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए चूज फाइल से। तो ये देखिए, हम पहले फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रंट साइड का। दोस्तों ये देखिए, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारी मीडिया ऑप्शन खुल जाएगा। हम मीडिया फाइल पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो भी जहाँ पर भी फोटो होंगे आधार कार्ड का फ्रंट साइड का, उस फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, हमने यह फोटो ऐड कर लिया है। अब दोस्तों फोटो में आपको आधार कार्ड का नंबर दिख रहा होगा, आपको ऊपर आधार कार्ड का नंबर डाल देना फोटो में से देख के, या अगर आपने लिख रखा है या आपको याद है तो आप पहले आधार कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं। यह देखिए, हमने आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। अब हमें बैक साइड का फोटो सिलेक्ट करना है यहाँ से। तो यह देखिए, हम आधार कार्ड का बैक साइड का फोटो और सिलेक्ट कर लेते हैं। और यह देखिए, हमने बैक साइड का फोटो भी सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों आपको नीचे आना, तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर और पैन कार्ड का इमेज अपलोड करनी है। दोस्तों हम पहले अपने पैन कार्ड का फोटो अपलोड करते हैं। यह देखिए, हमने पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर लिया है। अब दोस्तों हम अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देते हैं। आप देख सकते हैं, हमने अपना पैन कार्ड का नंबर भी डाल दिया है। अब दोस्तों हमने पैन कार्ड की इमेज भी अपलोड कर दी है। अब आपको नीचे आना है, अकाउंट इन्फो। दोस्तों आप देख सकते हैं, नीचे आपको अकाउंट इन्फो दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पर अपना बैंक का अकाउंट नंबर डालना है। तो दोस्तों ये देखिए, हम बैंक का अकाउंट नंबर डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमने बैंक का अकाउंट नंबर डाल दिया है। अब आपको नीचे अपना अकाउंट होल्डर नाम, जो आपका बैंक में नाम है, वह आपको यहाँ पर डालना है। उसके नीचे आपको बैंक का IFSC कोड डालना है, और दोस्तों फिर आपको बैंक का नाम डालना है, और फिर बैंक के जो अकाउंट है उसकी पासबुक है उसका एक फ़ोटो डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपलोड कर सकते हैं जैसे आपको दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों फिर आपको UPI इन्फो में डालना है, आपको जो UPI का आपका नाम है वह आपको नाम डालना है, और जो UPI पे मोबाइल नंबर है, फ़ोनपे गूगल पे चलाते हो, आपको वह यहाँ पर डालना है। और दोस्तों उसका QR कोड आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। आप देखिए, हमने UPI नाम और UPI मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब दोस्तों QR कोड हमें सिलेक्ट करना है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं चूज फाइल पर, तो हमारा वही पहले जैसे ऑप्शन फाइल खुल जाएगी। और दोस्तों हमें जो QR कोड का फोटो है हमारा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। यह देखिए, हमने ये फोटो सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों आपको ब्लड ग्रुप का ऑप्शन आएगा, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है आप अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों आप सभी डिटेल्स देख लीजिए कि सभी जानकारी सही भरी हुई है या नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, हमने सभी जानकारी डाल दी है और हमारी सभी जानकारी सही है। तो दोस्तों आपको नीचे आना है, और यह KYC जो फॉर्म है अगर भर चुका है तो सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आपकी श्री मारुती बैंक फाउंडेशन की KYC कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसमें अपनी KYC कर सकते हैं, और एक आधार कार्ड, एक मोबाइल नंबर पर एक ही ID चला सकते हो। दोस्तों इस सिस्टम में कोई भी धांधलीबाजी नहीं चलेगी। तो दोस्तों अगर आप भी सिस्टम में ID लगाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले को नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।